हेलो एवरीवन, कुछ दिन पहले एसएससी ने एसएससी सीपीओ 2022 का नोटिफिकेशन रिलीज किया था और 30 अगस्त है इसकी लास्ट डेट अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आपने नहीं किया तो जाके कर लो और आई होप कि मैक्सिमम लोगों ने कर लिया होगा अप्लाई। 1 सितंबर को रात को 11 बजे एसएससी एक लिंक ओपन करेगी, एक विंडो ओपन करेगी। अगर आपका कुछ एरर हो गया है फॉर्म भरने में तो उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो, एक दिन का वक्त आपको मिलेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप एसएससी सीपीओ के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से करें। नवंबर आपका एग्जाम है, तकरीबन 2-3 महीने का वक्त आपके पास में है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पर्टिकुलरली बिगिनर्स को मैं फोकस करूंगा यहां पे, एक एक चीज बात करेंगे, सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में, ऑनगोइंग ट्रेंड क्या है एग्जाम का, क्या से क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं जिसके बारे में पता होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला जो क्रूशियल डेट है वो है 30 अगस्त 2022, यानी कि 30 अगस्त 2022 के पहले आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेना है। ग्रेजुएशन इसके लिए रिक्वायर्ड है तो ग्रेजुएट आपको हो जाना है इस डेट के पहले। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट्स भी आप क्लेम करते हो फॉर रिजर्वेशन तो उसकी भी जो क्रूशियल डेट है वो 30 अगस्त 2022 ही है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। दूसरा कि अगर आप सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस बनना चाहते हैं तो आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, रिक्वायर्ड है। एसएससी सीपीओ के थ्रू आप सब इंस्पेक्टर बनते हो, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस या सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। सीएपीएफ के अंडर 5 विंग्स आती हैं, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये 5 सीएपीएफ के अंदर आती है। तो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस जो है ये काफी कोवेटेड पोस्ट है, सबसे ज्यादा कट ऑफ भी इसकी ही जाती है। इस एग्जाम में मेल और फीमेल का अलग अलग कट ऑफ निकलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये थे इस एग्जाम के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जो कि आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में। सबसे पहले होता है टियर 1। टियर 1 में आपके 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके। चारों सब्जेक्ट्स 50-50 मार्क्स के, 50-50 क्वेश्चन सब में, यानी कि 200 मार्क्स और आपको वक्त मिलता है 2 घंटा इसको सॉल्व करने का। सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 मार्क्स की, मतलब अगर आपका क्वेश्चन सही हो गया तो आपका 1 मार्क्स आपको मिल जाता है, अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो 0.25 मार्क्स आपके कट जाते हैं। यह है बेसिक पैटर्न। उसके बाद टियर 1 अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो फिर आपका फिजिकल टेस्ट होता है, ठीक है। फिजिकल टेस्ट भी अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो फिर आपका टियर 2 होता है। टियर 2 में आपका इंग्लिश पूछा जाता है, 200 मार्क्स का, 200 क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश। तो पैटर्न को अगर हम गौर से देखें तो पढ़ाई के साथ साथ आपको फिजिकली और मेंटली फिट होना भी काफी ज्यादा जरूरी है। टियर 2 के बाद फिर आपका मेडिकल वगैरह होता है, वो बाद की चीजें हैं। तो हमारा फोकस फिलहाल टियर 1 और टियर 2 के ऊपर है। इस एग्जाम में जो सबसे बड़ा कैश है वो है इंग्लिश का। इंग्लिश जो टियर 2 में 200 मार्क्स की पूछी जाती है उसको लेकर काफी लोग काफी कंफ्यूज होते हैं। जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, फिजिकली वो काफी फिट भी हैं, बाकी सब्जेक्ट्स काफी अच्छे हैं, फिर भी वो इस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसकी इंग्लिश जो पूछी जाती है काफी अच्छी पूछी जाती है। इवन एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में जो इंग्लिश आती है उससे कई बार बेहतर इंग्लिश देखी गई है एसएससी सीपीओ की। इवन मैथ्स के भी जो टियर 1 के क्वेश्चन है वो काफी अच्छे लेवल के देखे गए हैं। हालांकि टीसीएस के आने के बाद एसएससी सीएचएसएल सीपीओ सीजीएल स्टेनो एमटीएस इन सबका लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस अब नहीं रहा है, बट स्टिल थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो अगर आप इसके लिए करना चाहते हैं तो आपको काफी सिंसियर स्ट्रेटजी बनानी होगी और सिंसियरली उसको फॉलो भी करना होगा। तो इसी के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। अभी अगर आपने शुरू किया है एसएससी सीपीओ के लिए प्रिपेयर करना, लाइक 3 महीने का टारगेट आपने सेट किया है कि 3 महीने में ही बढ़ के मुझे एग्जाम क्लियर करना है, तो आपके लिए जो बेस्ट स्टडी मटेरियल है वो है ये बुक। इस बुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये बुक क्या है, 2019-2020-2021 में जो जो क्वेश्चंस आए हैं, जो जो सेट्स आए हैं एसएससी सीपीओ के, वो सारे आपको कंपाइल करके दिए गए हैं इस बुक में। बिल्कुल जो ऑनगोइंग पैटर्न है, ट्रेंड है, उसको फॉलो करने का मौका मिलता है आपको अगर आप इस बुक को फॉलो करते हैं। तो कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, टू द पॉइंट पढ़ना है बिल्कुल। 28 सेट्स इसमें टोटल दिए हुए हैं। अगर उन 28 सेट्स को आप मल्टीपल टाइम्स सॉल्व कर लेते हैं तो मैथ्स की, रीजनिंग की और काफी हद तक इंग्लिश की टेंशन आपकी खत्म हो जाती है। इसमें टियर 1 और टियर 2 के सारे सेट्स दिए हैं आपको पिछले 3 साल के, मतलब जो लेटेस्ट पैटर्न है वो आपको देखने को मिलेगा अगर आप इस बुक को फॉलो करते हैं। तो इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप ले सकते हैं। अब अगर मैं अज्यूम कर लूं कि आपने फिजिकल बीच में क्वालिफाई कर लिया, फिजिकली आप काफी फिट हैं, तो टियर 1 और टियर 2 मिला के आपका टोटल 400 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 250 मार्क्स का इंग्लिश पूछा जा रहा है। तो ऑब्वियसली इंग्लिश को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना बनता है, तो पहले उसी के बारे में बात करते हैं। तो इंग्लिश के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों इस 2-3 बचे हुए महीने में, तो मेरा सबसे पहला सजेशन कि इस बुक को तो आपको पहले अच्छे से कंप्लीट करना ही करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बुक आती है एसएससी की जिसमें आपको एसएससी में पूछा गया सारा वोकैब, चाहे जो भी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपी हो, स्टेनो हो, एमटीएस हो, सबका कंपाइलेशन उसमें रहता है उस बुक में। वो बुक आपको लेनी है। आप अगर नहीं खरीद सकते हैं इट्स ओके, खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा गूगल पे, वो आप डाउनलोड कर लो और उसका वोकैब सेक्शन कम से कम आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, वो आप कर
सकते हो अगले दो महीने में, यह बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर वो चीज आप कर लेते हो ना, वो कैब में आ गया एंटोसाइनो, ओडब्ल्यूएस, ईडीएम्स, इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो पेपर में आपको टेंशन नहीं होगी, आप काफी अच्छा परफॉर्म करोगे वो कैब सेक्शन में। ठीक, दूसरी चीज, अगले दो तीन महीने के लिए आप कोशिश करो कि आप कोई एक न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू कर दो। ठीक है, अगर आपको न्यूज़पेपर की लैंग्वेज नहीं समझ में आती, जिन लोगों को नहीं आती है उनके लिए एक ऑप्शन में दे रहा हूं, आप कोई बायलिंगुअल मैगजीन ले आओ, कोई भी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कोई भी ले आओ, बस वो अगर इंग्लिश में है तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन बगल में ही होना चाहिए। ठीक है, वो आप ले आओ और वो आप पढ़ना शुरू करो अगले दो तीन महीने के लिए, चाहे आपकी इंग्लिश कितनी भी खराब क्यों ना हो, दो तीन महीने अगर आपने पढ़ लिया आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी और बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे आप एग्जाम में, मैं वादा करता हूं आपसे। सब कुछ भूल जाओ, हम लोग क्या होता है ना, डरने के लिए तैयार रहते हैं कि हमारी तो इंग्लिश अच्छी है नहीं, हम लोग कहां से अच्छा परफॉर्म करेंगे, एसएससी सीपीओ में तो 250 नंबर का इंग्लिश है, कहां से हम कर पाएंगे। ये सब थॉट ही निकाल दो दो तीन महीने के लिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो करो, मैगजीन ले आओ, और अगर जिसको इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत खराब है वो मैगजीन ले आओ, और जिसकी थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग पढ़ के थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है वो न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू कर दो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, ये बुक अगर मैं आपको खत्म करने की बोल रहा हूं तो इसमें आपको कई सारे पैसेजेस वगैरह भी मिलेंगे, तो आपकी यहां पे प्रैक्टिस होती रहेगी साइमल्टेनियसली, वो आपका प्रॉपर लर्निंग होगा मैगजीन और न्यूज़पेपर, यहां पे आपकी प्रैक्टिस होगी, तो एक प्रोसेस से अगर आपने फॉलो कर लिया दो तीन महीने तक तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट। और डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना, ऐसा नहीं कि 10 दिन किया फिर छोड़ दिया या किसी और की स्ट्रेटजी फॉलो करने लगे, ये काम मत करना। बस एक बात का और ध्यान रख लेना, कोई भी सेट आप सॉल्व करो, चाहे इस बुक से करो या किसी और बुक से करो, कम ही सेट सॉल्व करो लेकिन मल्टीपल टाइम्स करो, लाइक इसमें 28 सेट्स ही हैं, लेकिन उसी 28 सेट्स को अगर आप दो दो बार कर लेते हो ना तो आपको लगेगा यार क्यों रिपीट करूं मैं, मतलब क्या सेंस है, अच्छा है कि और मैं नए कुछ सेट्स सॉल्व कर लेता हूं। लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको लिख के देता हूं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बोल रहा हूं, यही इन्हीं सेट्स को अगर आपने दो बार कर लिया ना तो आपको दुगुना ही नहीं तिगुना फायदा होगा। ठीक है, तो इसीलिए ज्यादा बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन जो पढ़ो उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ो, थोरो पढ़ो और उस पर टाइम दो प्रैक्टिस में या लर्निंग में। आपको ये लेवल अटेंड कर लेना है कि गलती से अगर एक क्वेश्चन इससे आ जाए आपके एग्जाम में तो वो आपसे छूटे नहीं। अब बात करते हैं मैथ्स, जीके और रीजनिंग की, साथ में ही करेंगे क्योंकि तीनों का वेटेज ऑलमोस्ट सेम है। मैथ्स में क्या है दोस्तों, ये बुक आपके लिए मच मोर देन सफिशिएंट, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है, मैं आपको लिटरली बोल रहा हूं, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना है अगर आप मैथ्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैथ्स के लिए कंसर्न है तो। आप बस इसको मल्टीपल टाइम्स अगर आपने दो बार भी बना लिया, दैट इज मच मोर देन सफिशिएंट, विश्वास कीजिए इस बात का। रीजनिंग में भी सेम चीज है, रीजनिंग के जितने सेट्स हैं इसमें अगर आपने सारे सॉल्व कर लिए आपको रीजनिंग में टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब बात आता है जीके। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर कोई कंसर्न्ड है, कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कह सकता है कि मेरा जीके बहुत अच्छा है, मैं बहुत तगड़ा परफॉर्म करूंगा, कोई इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता है। तो जीके के लिए थोड़ा सा कैश है यहां पे। जीके के लिए आपको क्या करना है कि अभी हाल फिलहाल में जो आपके एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस को देखिए कि उन क्वेश्चंस में सेट्स में एग्जामिनर का टेंडेंसी क्या है, किस टॉपिक पे वो ज्यादा फोकस कर रहा है, तो आपको ऐसा समझ में आएगा कि जो ट्रेडिशनल बुक्स है ना, लाइक ल्यूसेंट की बुक है या मनोहर पांडे की बुक है या इवन एनसीईआरटी की भी बुक्स है, तो उससे अगर आप उसको फॉलो कर रहे अच्छे से तो आपके क्वेश्चन सारे नहीं टकराएंगे वहां पर, आपके क्वेश्चन छूटेंगे। तो आजकल जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है वो ऐसे क्वेश्चन नहीं कि अगर आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है, आइडिया है तो आप आंसर कर ले जाओगे, वो बिल्कुल डेटा, बहुत क्रिस्प डेटा पूछ रहा है, बहुत क्रिस्प फैक्ट पूछ रहा है, तो वहां पे जिनको नॉलेज है भी उस सब्जेक्ट की तब भी वो अटक जाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा समाधान ये है कि जो बुक सब कोई फॉलो कर रहे हैं वो तो आपको पढ़ना ही है, लाइक ल्यूसेंट पढ़ लो या मनोहर पांडे पढ़ लो या कोई अगर आपको अच्छी बुक मिलती है वो आप फॉलो कर लो, तो वो तो करना ही करना है, लेकिन आप एक्सपेक्ट करके मत जाओ कि मेरा जीके में इतना स्कोर आएगा ही आएगा। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अफेयर्स से क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं, और करंट अफेयर्स में भी अब क्या दिक्कत हो गई है कि जरूरी नहीं कि पिछले 6 महीने ही करंट अफेयर्स हैं, 1 साल 1.5 साल 2 साल पुराने करंट अफेयर्स भी देखने को मिले हैं। मतलब समझो, कुछ सेंस लगाओ यहां पे कि एग्जामिनर अब चाहता है कि आप क्वेश्चन छोड़ो, तो एग्जामिनर से आप ज्यादा लड़ना चाहोगे तो वहां पर आपकी विफलता साबित होगी। ठीक है, तो टीयर वन में जीके को लेके बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि 3 महीने का वक्त है, 3 महीने का वक्त अगर आप इंग्लिश रीजनिंग और मैथ्स पे दोगे तो वो कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, जीके में अगर बहुत ज्यादा टाइम देने गए तो आप गड़बड़ा सकते हो। हाँ, जो लोग पहले से जीके पढ़ते आ रहे हैं, लाइक 6-7 महीने पहले से, 1 साल पहले से, वो ऑटोमेटिकली विदाउट एनी गाइडेंस जीके में अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपसे बेटर करेंगे, लेकिन अभी अगर आप शुरू कर रहे हो तो थोड़ा सेंसिबली करो, थोड़ा दिमाग लगा के कि अभी अगर मैं प्रिपरेशन शुरू कर रहा हूं तो जीके थोड़ा कम पढ़ना, जीके को थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देना ज्यादा सेंसिबल है। मैं यहां पर आपको
इमोशनल होकर कोई सजेशन नहीं दे रहा हूं, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल सजेशन दे रहा हूं जो कि मेरे एक्सपीरियंस से बेस्ड है, मानना या ना मानना वो आपके ऊपर। प्रिपरेशन के दौरान यूट्यूब से जरूर हेल्प लेना, आप कोई भी सेट सॉल्व करोगे, इसमें भी कोई सेट्स आपको सॉल्व कर रहे होगे या फिर ऑनलाइन कुछ जो बिल्कुल लेटेस्ट जो है जो शायद इसमें भी ना हो, वो जब आप सॉल्व करोगे तो ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको ना मिल पाए, तो यूट्यूब पे आपको सारा अवेलेबल है, वहां से आप बिल्कुल देख के सीख सकते हैं। तो बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि मुझे इतना ही पढ़ना है इस 3 महीने में। आप इमोशनल होकर ज्यादा बड़े टारगेट सेट मत कर लीजिए कि ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, ज्ञान अपना अर्जन कर लूं, ये वो ऐसे नहीं होता अगर आप अभी शुरू कर रहे हो तो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बातें इस वीडियो में मैंने कही हैं उस पर अमल कीजिए, आई गारंटी यू कि 2-3 महीने के बाद जब आपका पेपर होगा तो आप मानोगे कि हाँ मुझे काफी फायदा हुआ, मैंने काफी अच्छा इंप्रूव किया। अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मॉक टेस्ट आपको देना है, लेकिन एग्जाम से 10-15 दिन पहले आप मॉक टेस्ट देना बंद कर सकते हो, या अगर दो भी तो प्रीवियस ईयर के ही सेट्स दो, ठीक है। या फिर अगर आपके मॉक्स देने में मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, बिल्कुल डिमोटिवेट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कंसर्न हो रहा है, तो आप मॉक टेस्ट देना स्किप कर सकते हो। मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिन्होंने अभी शुरू किया है प्रिपरेशन, ये उनके लिए है बात कि अगर आपका मोरल बहुत डाउन हो रहा है मॉक देने से तो मॉक देना फिलहाल आप छोड़ सकते हो। मैं शुरू से ही देने नहीं कहूंगा, लेकिन जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो मैं सबको कह रहा हूं कि सबको ही मॉक देना बंद कर देना, और अगर देना भी तो सिर्फ प्रीवियस ईयर के मॉक्स। तो बस दोस्तों इतना ही मेरा सजेशन था। इसमें से किन बातों को आप फॉलो करते हो, किन बातों को नहीं, वो आपके ऊपर है। आपका कंसर्न किस सब्जेक्ट को लेकर ज्यादा है उसके बारे में मैंने बात किया। इंग्लिश को लेकर बहुत ज्यादा परेशान मत हो, आप अच्छा स्कोर करोगे जो बातें मैंने बताई अगर आप उसको फॉलो करते हो तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।